गुड शानदार। लाइटें बंद कर दो चाहे गाड़ी की। ये कौन बैठा है? हाय गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज अपने साथ हैं भाई, नया चैप्टर है ब्लॉग ना। और अपने साथ चल चित्र अपने साथ है अपने दीपू ब्रो। तो आज हम दिल्ली आए थे किसी काम से, तो मैंने सोचा कि साथ साथ एक ब्लॉग भी बना लेंगे। तो दिल्ली में एक टनल बनी है नई, प्रगति मैदान टनल, और वो भी रिसेंट टाइम पहले बनी है। और ये लगा लो कि ये वाइडेस्ट टनल है ऑफ इंडिया इन द सिटी। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आपको दिखानी चाहिए, तो चलो चलते हैं और आपको पूरी टनल भी दिखाएंगे और उसकी क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या कुछ है सब इन्फॉर्मेशन देंगे, फुल इन्फॉर्मेशन। तो चलो चलते हैं। पीछे कुछ कहना चाहते हैं? टनल देखने और उसके ऊपर जो चित्र अंकित है उनका विवरण करने। उनका विवरण तो ये संस्कृत में भैया ने आपको संक्षिप्त विवरण दिया है। हाँ। तो चलो चलते हैं। और तो कृपया कोने का बटन जरूर दबाएं, टल्ली का बटन जरूर दबाएं। वो भूला ना करें, आपसे अनुरोध है टल्ली का बटन जरूर दबाएं। टल्ली का बटन जरूर दबाएं। ढक्कन वाली टल्ली नहीं, बजने वाली टल्ली, घंटी। हाँ तो चलिए चलते हैं गाइस, चलते हैं देखते हैं गाइस। अपनी फाइनली टनल तो हो गई है स्टार्ट, ये है टनल। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले टनल में आपको दिखाता हूँ साइडों में, तो देखो ये आर्ट वगैरह बना रखी है। और सबसे पहले आप सामने देखोगे एक वो डिस्प्ले जो लगी हुई है, उसे कहते हैं व्हीकुलर मैनेजमेंट सिस्टम, VMS। तो ये है VMS सिस्टम, व्हीकुलर ही बोलते हैं। हाँ, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है एक सामने वो है, और एक ये है जो आगे गुफा, ये गुफा नहीं गुफा कह सकते हैं, गुफा कह सकते हैं आप इसे। जो देख पानी की तो झरना दिखा रखा पर दिल्ली। अच्छा ये पता है भैया क्या है, ये 6 जो सीजन होते हैं ना इंडिया में वो सारे दिखा रखे हैं, पर पानी का तो झरना है ही ना, पानी का झरना नहीं है। और इवन यहाँ पे फैसिलिटी सारी है, ये देखो पानी का है यहाँ, पानी नहीं है पर देखो कॉल वोल के लिए सब लगा रखा है यहाँ पे, इमरजेंसी के लिए कॉलिंग का सिस्टम बना रखा है, फायर फाइटिंग सिस्टम भी है यहाँ पे। और ये देखो सबसे मेन चीज देख, डमरू से दिखा रखे हैं ये सारे डिजाइनिंग। और ये देख वो देख जो ऊपर वो लग रहे हैं वो पता क्या है, ये देखिए ये वो है क्या कहते हैं वेंटिलेटेड फैन ऊपर। हाँ एग्जॉस्ट, ये वेंटिलेटेड फैन लगा रखे हैं यहाँ पे। और ये आर्ट वर्क देखो कितना जबरदस्त बना रखा है, पैसे लगा रखे हैं, टनल तो काफी बढ़िया बना रखी है ना। ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम साइड में देख, लाल लाल सा। हाँ तो देख सकते हैं भाई, लाल लाल सा भी दिखा दिया आज तो ना। टनल वैसे जबरदस्त बना रखी है ना, आर्ट वगैरह कितनी बढ़िया बना रखी है। और इस एक टनल में है ना 5 अंडरपास निकलते हैं, पता है भैया 5 जगह के रास्ते निकलते हैं इस एक टनल का। गुफा है ये तो, हाँ गुफा कह सकते हो। ये देखो दोबारा आगे वेंटिलेटेड वो पंखे ये लग रहे, और इसमें वो भी है पानी वानी भी नहीं भरेगा, वाटर पंप वगैरह सब लगा रखे है नीचे लगा रखा है। हाँ और ये देखो ये रास्ता बना रखा, ये प्रगति मैदान के लिए शायद निकलने का रास्ता, अभी चालू नहीं हुआ पर धीरे धीरे हो जाएगा चालू। आर्ट वगैरह वर्क काफी बढ़िया बना रखा है ना, सबसे ज्यादा मेहनत तो कर रखी है। ये रास्ता देखते कहाँ निकलेगा, फोटो खींचने लग रहा है ये ना प्रगति मैदान पार्किंग। अच्छा यहाँ से रास्ता निकलने के लिए अभी ये बनेगा धीरे धीरे, पूरे फोटो खींचने लग रहा है देख ले। ये दोबारा आगे वेंटिलेटेड पंखे, यो आ गया ढोल लगाने वाले। हाँ ये देखो चक्कर अपना सम्राट अशोक का चक्कर। हाँ 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 सही, ये इंडिया गेट लगा रखा है, इंडिया गेट आ गया, बुद्धा आ गया। और ये ताजमहल लगा रखा, ताजमहल कहाँ, ये ना पीछे गया पूरा थोड़ी लग रहा, पूरा था ये लग रहा ताजमहल दोबारा। ये ना देखो स्पीड लिमिट भी 30 है शायद, ढोल नगाड़े, वल्लभ भाई पटेल की भी वो भी थी, मूर्ति भी थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और एक ये रास्ता, अच्छा कहीं से निकल के ऐड ऑन होता है ये वाला रास्ता, मेंढक भी छप खा छपरे, मेंढक बत्तख पीकॉक पेड़ सब छपरे या तो। ये रहा फायर एग्जॉस्ट सिस्टम, फायर एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा रखा है, सिलेंडर है ये, यो देख लगा ही खेल रहा है केरल में बनाए करे, हाँ उसकी है ये कश्तियाँ, उसमें बड़े बड़े जहाज से चल ले करे, यो सांप दिखा रखे है। और ये रास्ता पता है कहाँ से, ITO से DPS तक कनेक्ट करेगा, 6 सिग्नल वो रिमूव कर देगा, ये स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमारी स्पीड है 17, उससे भी कम चल रहे हम तो। तो टनल तो काफी बढ़िया बना रखी है ना, मीठा मीठा चलो। हाँ
भगवान कृष्ण तो दिखा भी नहीं रखे, रास्ते सारे निकाल रखे और बढ़िया बना रखे है ना भैया टनल, तो बना तो बढ़िया भाई। जो रहा कृष्ण भगवान, पता है इसको बनाने में कितना खर्चा है भैया? 923 करोड़ का इस टनल को बनाने में। फिर मन ना दे देते आते मैं आपको बना देता। जय हो बंसरी वाले काय कृष्ण भगवान, वो रहा देख बंसरी लेके पार्ट आगे। तो गाइस चलो चलते हैं, हमें तो जाना आईटीओ के साइड। तो फाइनली टनल से आ गए हैं बाहर, धूप तेज पड़ रही है, अंदर तो ऐसा लग रहा पता नहीं कहां जन्नत में आ गए। जन्नत जन्नत तो नहीं भाई, सड़क लोक से थोड़ा नीचे। जो भी कहो पैसे जो लगाए ना 930 करोड़ लग रहे थे, लगा वसूली है पूरी पूरी वसूली है। 1-2 करोड़ तो हम भी कराए होंगे वसूल। तो गाइस दोबारा घुस चुके हैं टनल में, जैसा कि मैंने सुबह डिटेल दी थी, वही बंदे वही यार वही सब कुछ। पर एक भाई साहब पीछे सोए पड़े हैं। पर टनल जबरदस्त है, जाम से बचा दिया एक बात तो है। ये देखो ओ, अब देखो टनल तो शानदार। लाइटें बंद कर दो चाहे गाड़ी की। ये कौन बैठा है फिर पीछे? टनल सही में जबरदस्त है ना, वो वाली फीलिंग दे रही है हिमाचल वाली। हिमाचल में एक और टनल है ना, कौन सी? अटल टनल। सेम वही, सेम अटल टनल वाली फीलिंग दे रही है। मेन बात जाम नहीं है, जाम नहीं है सबसे वेट। जो मैंने तो खाली अभी तक दुनिया से सुना था कि जाम नहीं लग मिलेगा, पर आज देख भी लिया ना, सच बात है जाम नहीं। एक ही रास्ता निकल रहा है यहाँ पे, ये भी खुला नहीं है, पता नहीं कब खुलेगा। एक आ निकल रहा है इंडिया गेट, नहीं नहीं ये निकलेगा प्रगति के धाम पार्किंग में, प्रगति मैदान निकलेगा। हाँ हाँ कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो हुलुलुलु करते हैं? रुको आपको सही से दिखाता हूँ, टनल से ज्यादा वो देखने जरूरी है। पर यहाँ पे तो ये धुंध सी कैसी हो रखी है, डस्ट है ना पर ये ऊपर लगा रखी है, फिर ये किस काम के कर रखे ना? ये बंद कर रखे, बिजली बचा रहे हैं ये है? ये अच्छा वो ऊपर मैं कह रहा था रेलवे मेट्रो, का ट्रैक है। मेट्रो, रेलवे का ट्रैक है वो ऊपर चल रहा है, मेट्रो चल रही है भाई। हाँ जबरदस्त है ये तो, जबरदस्त एक नंबर चीज है ना, जो एक नंबर चीज थे, जो एक नंबर चीज थे। तो वो जो कह रहे थे ना 921 कुछ करोड़ रुपए लगे वो लगाए हैं। तो गाइस यही थी बेसिकली टनल, जो जो थी मैंने आपको दिखाई, बाकी इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ये लगा लो कि ये 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है, 6 लेन टनल है ये पहली, और ये कनेक्ट करेगी आपको पुराना किला रोड टू रिंग रोड कनेक्ट करेगी। और इसकी चौड़ाई बताऊं तो चौड़ाई है लगभग 28 से 42 मीटर। और बाकी इसमें एक चीज़ और बताऊं कि इसके ऊपर है ना 7 ट्रैक है ना इंडियन रेलवे के, वो जा रहे हैं भैया जी 24 आवर ऑटोमेटिक बैकअप, CCTV वगैरह सब लग रहे हैं इसमें। टीवी तो देखा नहीं, एक ही देखा था हमने। हाँ वोटर पंप वगैरह वो सिस्टम वगैरह भी सारे हैं इसमें। और जो वो है ना प्रगति मैदान की अंडरग्राउंड पार्किंग, वो भी इसमें से ही रास्ता निकलेगा एक अलग। अच्छा तो गाइस बेसिकली यही थी, आप भी आ सकते हैं भाई, टनल देखने जरूर आइयो तुम। हाँ और कुछ देखने ना हो, बाकी कुछ हो ना हो पैसे मिलता दे दियो। तो गाइस यही थी बेसिकली टनल, जो जो थी मैंने आपको दिखा दी। और बाकी अपने दीपू भैया को रास्ता बताते हैं, दीपू भैया यहाँ से हमने राइट लेना है, ISBT जाना है हमने, राइट ले ले बस यो, बस। तो गाइस अभी के लिए चलते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करना, टल्ली का बटन, टल्ली का बटन जरूर दबा देना। टल्ली बता बता के टल्ली पक्का बजानी है, टल्ली बता बता के थक गए हम, पर आप दबाते नहीं हो, दबानी ही दबानी है, वो दबानी ही नो ऑप्शन उसके लिए, नो ऑप्शन है। तो चलो अभी चलते हैं, बाय बाय।